दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के टीयर टू एग्जाम के बारे में, यानी कि एसएससी सीएचएसएल का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल टीयर टू का जो पैटर्न होता है, मतलब कि एसएससी सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है और कितने मार्क्स का होता है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीएचएसएल 2015 के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और एसएससी सीएचएसएल 2016 के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की जो एसएससी सीएचएसएल 2017 के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर एसएससी सीएचएसएल 2017 के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की मैं बात करूं तो इसमें आप सब जानते हैं कि दो चीजें पूछता है एसएससी, एक आता है एसे और एक आता है लेटर। एक आपको ऐसे लिखना होता है और एक आपको लेटर लिखना होता है। दोस्तों 100 मार्क्स का होता है ये, जिसमें 50 नंबर का ऐसे होता है और 50 नंबर का ही लेटर होता है। दोस्तों ऐसे की जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 250 और लेटर की जो वर्ड लिमिट है वो है 150। मतलब आपको 250 वर्ड्स के अंदर अंदर ऐसे लिखना है और 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको लेटर लिखना है। दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ऐसे लिखने के लिए एसएससी आपको 6 शीट्स देता है, मतलब कि आपको 6 शीट्स मिलती हैं ऐसे लिखने के लिए, जिसमें करीबन आप मान लीजिए 4 कॉलम होते हैं बॉक्सेस के और 14 रोज होती हैं। 4 कॉलम्स रहते हैं और 14 रोज रहती हैं बॉक्सेस की। ऐसे के लिए आपको मिलती हैं 6 शीट्स और लेटर के लिए आपको मिलती हैं 4 ऐसी शीट्स। दोस्तों ये तो था एसएससी सीएचएसएल 2017 के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का पैटर्न। अब हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2015 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो हुआ था 2015 में, उसमें जो ऐसे पूछा गया था वो पूछा गया था स्वच्छ भारत मिशन पर। मतलब आपको स्वच्छ भारत मिशन पर लिखना था 250 वर्ड्स के अंदर अंदर, 250 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको लिखना था स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। और दोस्तों जो लेटर लिखने को आया था वो आपको लेटर लिखना था डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को अपना असेसमेंट बताते हुए इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में जो रियो ओलंपिक गेम्स में हुई थी, और सजेशंस देते हुए कि इंडिया अपनी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकता है अगले ओलंपिक गेम्स के अंदर। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस थे ये थे एसएससी सीएचएसएल 2015 के डिस्क्रिप्टिव। दोस्तों अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2016 के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे उनके बारे में। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2016 के डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो ऐसे पूछा गया था वो पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। जो ऐसे था वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, और जो लेटर लिखने को दिया गया था वो लिखना था आपको अपने फ्रेंड को डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के बारे में बताने के लिए। आपको अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करना था डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव क्या है। और दोस्तों पैटर्न बिल्कुल सेम था, 100 नंबर का ये पेपर था, 50 नंबर का ऐसे था, 50 नंबर का ही लेटर था। ऐसे के लिए आपको वर्ड लिमिट मिलती है 250 और लेटर के लिए आपको वर्ड लिमिट मिलती है 150। दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस कर लिए पिछले 2 सालों के एसएससी सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के क्वेश्चंस, और अब मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताना चाहता हूं जो एक्सपेक्टेड हैं इस बार, मतलब कि वो टॉपिक्स तो आपको आने ही चाहिए। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं वो तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि वो तो मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस साल के, यानी कि एसएससी सीएचएसएल 2017-18 के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद है कैशलेस इकोनॉमी पे पूछ सकता है, स्टार्टअप इंडिया पे पूछ सकता है, डिजिटल इंडिया पे पूछ सकता है, मेक इन इंडिया पे पूछ सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूछ सकता है, अचीवमेंट्स ऑफ इसरो पूछ सकता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पे पूछ सकता है। तो ये थे दोस्तों मेरे हिसाब से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे आपको स्टार्ट करनी चाहिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन। आने वाले समय में ऐसे और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस।